एवरीवन, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ आज हमारे नए वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी बड प्लस के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा न्यू गैलेक्सी बड प्लस। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। सो यहाँ पे आपको ये 11 घंटे का आपको प्ले टाइम मिल रहा है, टू वे स्पीकर्स दिया जा रहा है 4 इंच साउंड के लिए, और इसमें 3 माइक लगे हुए हैं जो आप बात करेंगे तो उस टाइम आपको क्लियर वॉइस के लिए आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। सो इसमें अगर बॉक्स में हम देखें तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि आपको 3 विंग टिप्स दिया जा रहा है, ईयरबड 3 दिया जा रहा है, और यूएसबी केबल 1 दिया जा रहा है सी टाइप का, और एक यूज़र गाइड है। प्लस इसमें जो ईयरबड लेफ्ट और राइट का आपका दिया जा रहा है। तो देखते हैं हम इसमें कि क्या है आपके लिए। तो देखते हैं हम इसमें आप सभी के लिए क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है आपका आपका बड, ये आपका बड हो गया। इधर में अगर आप देखें तो इधर में आपको ये बहुत सारे आपको मिल रहे हैं बड प्लस टिप्स, और इधर में आपको यूएसबी केबल दिए जा रहे हैं फॉर चार्जिंग के लिए। तो ये सी टाइप आपको चार्जर दिया जा रहा है जिसको आप यूज़ करके आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये था आपको, तो इसके साथ जो एडिशनल में एसेसरीज हैं वो दिया जा रहा है आपको। तो इसको हम कर लेते हैं साइड। अगर हम देखें तो ये आपको दिया जा रहा है जो मेन आपका यूज़ का है, ये आपका गैलेक्सी बड प्लस जो आपको दिया जा रहा है। साउंड जो है इसमें 1 जी का स्पीकर मिल दिया जा रहा है साउंड। तो सोच सकते हैं कितने ज़्यादा पावरफुल आपको साउंड मिलने वाले हैं। तो देखते हैं हम इसको। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है लेफ्ट और राइट दो बड प्लस दिया जा रहा है आपको। तो ये जो है फिलहाल चार्ज हो चुका है। तो अगर फर्स्ट टाइम अगर आप इसको यूज़ करने जा रहे हैं तो इसको सबसे पहले क्या करें, आप 25 मिनट्स आप क्या करें इसको चार्ज करें, ठीक है, यूज़ करने से पहले, सो दैट कि ये चार्ज हो जाए। तो अभी हम इसको देखते हैं पेयर कैसे करें हम। तो पेयर करने के लिए आपको क्या करनी है, आपको फ़ोन में जा करके आपको क्या करना है, सैमसंग बियरेबल एप्लीकेशन जो है इसको आपको इंस्टॉल कर लेनी है। तो ये जो देख रहे हैं ये है सैमसंग बियरेबल जो स्मार्ट ईयर का एप्लीकेशन है, इसको आपको क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है। तो इसको आप इंस्टॉल कर लें, इसके बाद क्या करें इसको आप ओपन करें। तो जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दे रहा है गेट स्टार्टेड, तो गेट स्टार्टेड के ऊपर जाएँ। अभी यहाँ पे आप अपना डिवाइस सेलेक्ट कर लें किसको आप पेयर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैलेक्सी है, वॉच, गैलेक्सी बड लाइव, गैलेक्सी बड प्लस, गैलेक्सी वॉच। तो हमें यहाँ पे जो पेयर करनी है वो करनी है गैलेक्सी बड प्लस को। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सो गेटिंग रेडी शो कर रहे हैं यहाँ पे, और ये डिवाइस को सर्च कर रहा है। तो इसको आपको क्या करना होगा, सेम टाइम पे आपको इसको ऑन कर लें सो दैट कि आपको यहाँ पे सर्च जब करें तो ये दिखा सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गैलेक्सी बड प्लस जो है ये आपको डिस्प्ले करना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये सेटअप जो है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप क्या करें, आप कंटिन्यू करें ऑप्शंस को और इसको गॉट इट कर लें हम। तो ये पेयरिंग स्टार्ट हो रहा है। सो आप देख सकते हैं ये जो पेयरिंग था वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो बर्ड है ईयरबड वो 100% चार्ज्ड है, और हमारा केस जो है ये जो देख रहे हैं केस, ये आपका हो गया बर्ड जो 100% चार्ज्ड है, और ये जो केस है वो भी 100% चार्ज है। कब शो करेगा कितना चार्ज्ड है जब ये इसमें आप रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही चार्ज्ड है। सो अगर ये डिस्चार्ज हुआ था आप इसमें रख करके आप इसको चार्ज कर सकते हैं, इसका भी पावर बैकअप है। सो दोनों ही हमारा 100% चार्ज्ड है। यहाँ पे आपको जैसा देख सकते हैं यहाँ पे आपको नॉर्मल दिया जा रहा है, बास बूस्ट दिया जा रहा है। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आप साउंड इफेक्ट्स को आप डायनेमिक, क्लियर, ट्रेबल बूस्ट, सॉफ्ट या बास बूस्ट के ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्बियंट साउंड दिया जा रहा है। सो एम्बियंट साउंड में क्या है, आप इधर देखें लो है और इधर में आपको हाई है। सो अगर आप चाहते हैं कि हम बात कर रहे हैं या फिर आप कान में लगाए हुए हैं इसको आप यूज़ कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि बाहर का एटमोसफेयर का आपको इन्वायरमेंट का साउंड सुनाई दे तो आप इसको क्या करें ऑन कर लें। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप ऑफ कर लें। इससे क्या होगा, जब ऑफ होगा तो आपको बाहर का कुछ भी साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। सो अगर आप ड्राइविंग वगैरह कर रहे हो या फिर बाहर में हो, आप फुट स्ट्रिप पे हो, तो यहाँ पे आप इसको ऑन रखें सो दैट बाहर से आपको हॉर्न की आवाज़ वगैरह सुनाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लो है, ये हाई है, ये मीडियम में रख दिया आपने, जैसे कि अगर मीडियम साउंड सुनाई देगा यहाँ पे अपने हाई जैसे ही करेंगे आपको बाहर का पूरा आवाज़ आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो आप, मैं प्रेफर करूँगा कि आप लो पे यूज़ करें या फिर अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यूज़ करें। अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत ना हो तो इसको आप ऑफ भी कर लें।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो है पेयर्ड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा पेयर हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस का दिया हुआ है, कंट्रोल पैनल है, ये पूरा है कैसे यूज़ करना है इसको, ठीक है। सो प्ले और पॉज करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर सिर्फ ये वन टाइम टैप करें तो प्ले और पॉज हो जाएगा। अगर आपको गाने प्ले करनी है तो आप एक बार इस पर टैप करें, आपका प्ले हो जाएगा। या फिर आपको पॉज करनी है तो वन टाइम टैप करें, पॉज हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड टाइम में अगर दो बार अगर आपको कॉल करनी है या कॉल रिसीव करनी है या कॉल डिसकनेक्ट करनी है, तो आप इसके ऊपर दो बार टैप करें, इससे क्या होगा कॉल कट जाएगा। या फिर आप जो गाना सुन रहे हैं उसको आप चेंज करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, दो बार टैप करके आप गाने को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बढ़े यहाँ पे, सो अगर आप प्रीवियस ट्रैक को आप सुनना चाहते हैं, जो लास्ट आप गाना सुन रहे थे आप चाहते हैं कि मैं वो सुनूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, इसके ऊपर आप 3 टाइम्स टैप करें, इससे क्या होगा प्रीवियस वाले गाने जो बज रहे थे वो आपका बजना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे है डिक्लाइन कॉल जो है, तो आप यहाँ पे इसके लिए आप क्या करें, लॉन्ग प्रेस करके रखें, टच एंड होल्ड करके रखें, इससे क्या होगा कॉल जो है वो कट जाएगा। तो ये आपको बेसिक यहाँ पे दिया गया था। यहाँ पे आपको और भी दिया गया है कि लेफ्ट और राइट को अगर वॉइस कमांड में यूज़ करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक टिप्स और मैनुअल जो है अभी मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आपको बेसिक सेटिंग दी गई है जो एम्बियंट मोड के लिए जब आप कॉल पे हों, तो ये बेसिक सेटिंग था आपका गैलेक्सी बड प्लस का। तो आई बिलीव कि आप सभी को इसको सेटअप करना बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।